राइट, माय नेम इज राजीव के बजाज, दैट इज राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी। और इस वक्त मेरे साथ हैं एडवोकेट प्रदीप नामग्याल साहब। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को, सभी दर्शकों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। प्रदीप जी वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। राइट सर, द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू ग्रीस After 40 years, an Indian Prime Minister has landed in Athens, and that, by the way, is great news. Why is it great news? It is great news for two countries. One is Armenia, the other, of course, is Greece, and the third, of course, is India. And that is to send a message across to Istanbul. Listen, guys, don't play around with us. कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, आपको याद होगा, तुर्की में जब अर्थक्वेक आया, इतना बड़ा जलजला आया, भूकंप आया, भारत ने अपनी पूरी मिलिट्री, जो अपने C-130 एयरक्राफ्ट थे, वो वहां पर भेज दिए, और साथ में पूरे मोबाइल हॉस्पिटल्स भेजे। हमारे AMC के लोग वहां पर गए। AMC इज ऑफ कोर्स द आर्मी मेडिकल कोर, द आर्म फोर्सेस मेडिकल कोर। दे एक्चुअली रीच्ड ओवर देयर एंड दे हेल्प्ड द टर्क्स। ना जाने कितने लोगों की जान बचाई। और प्रदीप जी, विद इन फाइव डेज Turkey supported Pakistan on Kashmir, exactly, in the United Nations. I mean, come on. This is awful. We'll talk about all that in just a little while. But at the moment with us, we have an amazing man, an amazing guest, the director of possibly the biggest hit of the last so many years, Gadar 2 ke director Anil Sharma sahab is waqt humare saath hain. Anil Sharma ji, namaskar. नमस्कार, नमस्कार। कैसे नमस्कार हैं सर, कैसे हैं सर? एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है सहारा के बाद। जी बहुत बढ़िया लग रहा है, और आपका ये लुक तो कमाल लग रहा है। तो मुझे रोल दे रहे हैं सर अगली फिल्म में? अगली पिक्चर में रोल दे रहे हैं। रोल देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका लुक इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है कि बस पूछिए मत। आपकी ये सफेद दाढ़ी और बीच में से सफेद बाल, ये कमाल है सर। बीच में अच्छा सा सुंदर सा टीका। हाय हाय हाय, बल्ले बल्ले। सर आपको याद होगा जब आपकी पिक्चर आई थी अपने, तो धर्म जी, आप, सनी देओल साहब और नीरज, हम सब लोगों ने मिलकर के एक शो किया था धर्म जी के घर में, एंड दैट वाज सच अ हिट शो। बाप रे बाप, आज तक उस पे कमेंट आते हैं, जबरदस्त। लेकिन सर ये तो कमाल कर दिया आपने, ये आप बताएं ये क्या है, मतलब व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? आप मुझे ये बताएं, बाकी आपसे सवाल तो पूछेंगे ही, लेकिन आपकी खुद के जहन में भी क्या चल रहा है सर? गदर 2, ओ गॉड, व्हाट अ हिट, What a hit! My God! बस ये क्या, पिछली जो गदर थी, गदर 1, लोगों के दिल में इतनी ज्यादा घर कर गई थी, उन लोगों के दिलों में बसी हुई थी, बस उसका ही परिणाम है ये गदर 1। ये आपने मेरा कुछ पुराना दिखा दिया। जी जी जी, गदर 1 जो लोगों के दिल में जिस तरह से बसी हुई थी, और जिस तरह से उसका क्या, आप जो अच्छा कार्य करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, उसका परिणाम आपको मिलता है, तो आपकी अच्छाई आपको हमेशा पे करती है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो गदर 1 में जो हम लोगों के दिलों में उतरे, बस वो आज तक बसे हुए हैं, और उसी वजह से गदर 2 को इतना बड़ा स्वागत मिला, और लोग गदर 2, हम क्योंकि गदर 2 मेरी नहीं, नेशन की फिल्म है, लोगों की फिल्म है, लोगों के दिलों में उतरी हुई फिल्म है, तो बस उनके लिए हमने फिल्म बनाई थी, और वो जो फिल्म हमने उनके लिए बनाई थी, तो बस उनके दिल में उतर गई, उनको अच्छी लग गई, और मेरा ये सौभाग्य है कि उनको ये फिल्म अच्छी लग गई। लेकिन अनिल शर्मा जी, ये तो आपने बड़े प्यार से, he's being very modest now, this is for our viewers, ये बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हैं, अपनी तारीफ करते नहीं है बिल्कुल भी। सर ऐसा होता है, आज की तारीख में गदर 1 जब आई थी सिचुएशन अलग थी, इतने OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, लोग नेटफ्लिक्स पर नहीं जाते थे, Amazon प्राइम पर नहीं जाते थे, Apple TV नाम की कोई चीज नहीं थी। आज गदर 2 इज कम्पीटिंग विद ऑल दीज पीपल, इतने बड़े बड़े, बाप रे बाप, कौन कौन से CGI वाले, इतने ज्यादा लिंक आ रहे हैं टीवी के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, पायरेटेड लिंक, पूछिए मत, कम से कम कई हजार लिंक तो हम हटा चुके हैं जी। बट आई टेल यू व्हाट, और वो जो आपका पुराना, हम इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज वी डोंट हैव द राइट टू शो योर फिल्म, सीधी बात है, सो दैट्स व्हाट वी सेड, कि जिसकी कॉपीराइट अपने पास है वो दिखाओ भाई, वो आपका पुराना इंटरव्यू ट्रेलर तो आप दिखा ही सकते हैं। ट्रेलर के कट्स तो आप दिखा ही सकते हैं। ट्रेलर के लिए भी परमिशन चाहिए होती है सर, आजकल ट्रेलर के ऊपर भी आ जाता है एकदम कॉपीराइट क्रैक, वो फर्स्ट क्लास बिल आ जाता है। खैर एनीवे, वी विल शो द ट्रेलर लेटर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपने एक जगह पर कहा कि सनी एक्चुअली
एक्चुअली क्राइड सनी साहब एक्चुअली क्राइड ऑन द फोन, रो पड़े आप पे, मतलब ये क्या है? सनी साहब जब उस दिन क्या हुआ, जब 11 तारीख की सुबह 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 7 बजे मैं जब उठा तो इन्होंने अर्ली मॉर्निंग शोज रख दिए थे जी ने, और वो 3 बजे के शोज थे 10-12 जगह, वो सारे शोज फुल हो रहे थे, वो सारे शोज फुल हो रहे थे और पब्लिक जब बाहर आ रही थी और अपने रिव्यूज दे रही थी तो मैं शॉक्ड हो गया। मैं तो 7 बजे उठाता, रात को 3 बजे सोया था ये सोच के कि 7 बजे का जो शो है वहाँ मैंने असिस्टेंट भेजा हुआ था वहाँ का रिएक्शन लूँगा, उससे मैं बात करूँ 7:15 बजे। उसने कहा बहुत अच्छा रिएक्शन है। तभी मैंने अपना फ़ोन उठा के देखा तो फ़ोन में देखा कि ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। मैं शॉक्ड हो गया, ये पिक्चर कहाँ कंप्लीट हो गई, कैसे 1-2-3 नहीं कम से कम 15-20 वीडियो चल रहे थे। फिर मैंने सनी सर से फ़ोन पे बात की तो सनी सर एकदम रो पड़े, बोले हाँ शर्मा जी हो गया, और वो खुद 6 बजे से रिएक्शन देख रहे थे, इतना एक्साइटमेंट इतना वो। मैंने बाद में जी से बात की, जी वालों ने बोला हमने सुबह 3 बजे शो रखे थे, इनका आपने हमें तो बताया नहीं, बोले आपको बताते तो आप मना कर देते और ये शो होते नहीं। हमारा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी था, हम एक पब्लिक को रीड कर रहे थे कि बिफोर हम रिव्यूअर्स को दिखाएं, क्योंकि रिव्यूअर्स तो के बारे में सारी दुनिया जानती है कि वो किस तरह से क्या है। काफ़ी रिव्यूअर्स, कुछ खास रिव्यूअर्स हैं जो कि कैसा लिखते हैं टेढ़ा मेढ़ा आप जानते हैं जी। तो हम उनसे पहले हम चाहते थे कि पब्लिक का रिव्यू आ जाए, अच्छा बुरा जैसा भी है। तो पब्लिक का रिव्यू आ गया तो बस उसके आगे तो कोई रिव्यू ठहरता ही नहीं है। तो बस दिस इज द सेकंड टाइम यू हैव एक्सपीरियंस दिस एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। प्रदीप जी ये मैं बताऊं, अनिल शर्मा जी ने ये सेकंड टाइम इसको महसूस किया है, क्योंकि गदर 1 भी जब आई थी देयर वाज अ सेट ऑफ रिव्यूअर्स। बिल्कुल, गदर को गटर एक प्रेम कथा लिख दिया था, मालूम है बाद याद है मुझे। अच्छा मुझे याद है, मैंने सेम एक्सपीरियंस हुआ जैसे लगता है। मेरी मेरी किसी थिएटर ओनर से बात हुई उस दिन थर्सडे को सुबह पिक्चर रिलीज हुई तो वो पागल हो गया था और उसने इतना एक्साइटमेंट रिव्यू दिया। मैंने फोन रखा और सामने मेरे सामने अखबार रखा हुआ था और अखबार रखा हुआ था और उस अखबार में लिखा हुआ था गटर एक प्रेम का था, गदर काटी हुई थी। तो मैं एकदम मैं हंस के एकदम अखबार फेंक दिया। मैंने कहा जाने दो यार, ये कोई अब इस व्यक्ति का मैं क्या कहूँ, इनके अपने पर्सनल एजेंडे हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए मैं तो चाहता हूँ आप एक मेरी मीटिंग कराएं, 10-12 ऐसे जो रिव्यूअर हैं उनके साथ मुझे बिठाएं और मैं बताना चाहता हूँ कि भाई फिल्म का रिव्यू होता क्या है, सिनेमा होता क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि कुछ रिव्यूअर्स रहते हैं जो जानते नहीं सिनेमा क्या है, उनके अपने पर्सनल एजेंडे को चलाते हैं। और अनिल शर्मा जी, ये जिन रिव्यूअर्स की आप बात कर रहे हैं ना, उनसे अगर आप पूछेंगे कि सिंक साउंड और डब और रीडब में क्या फर्क होता है, उनको मालूम नहीं होगा, सिनेमा जानते ही नहीं है, लेकिन कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं और पब्लिक को गुमराह करते हैं। एक्चुअली वो क्राइम करते हैं, दे आर क्रिमिनल्स। दैट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट। नो सर, एक सेकंड, यस यस सर, ये बताएं अनिल शर्मा जी, ये तो हो गया, सब लोग जानते हैं सनी देओल साहब, अमीषा पटेल, आपके सुपुत्र भाई, देखिए क्या यार उसकी क्या परफॉर्मेंस है उत्कर्ष की, जबरदस्त, बिल्कुल मतलब फैंटास्टिक। मैं इसलिए काला टीका लगा के आया हूं वैसे, ये भी बता दूं आपको, चलिए लेकिन ये बता दूं आपको, लेकिन ये बताएं धर्म जी ने क्या बताया ये देख करके, वो जरा बताएं, वो दैट इज मोस्ट धर्म जी बहुत एक्साइटेड हुए, प्रीमियर पे आए थे और बहुत खुश हुए, मुझे गले वले लगा के गए। धर्म जी हमेशा क्या है ना, वो सोचते हैं कि इस तरह की फिल्म है कि ऐसा तो आपने नहीं डाल दिया किसी के विरोध में या किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में या किसी धर्म विशेष के विरोध में नहीं था। धर्म जी हमेशा मुझे बोलते थे कि देख भाई, तेरा कोई एक व्यक्ति के खिलाफ तेरी फिल्म हो सकती है, किसी नेशन के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, और ये ऐसा कभी मत करना। मैंने कहा हम ऐसा करते ना, ना सनी करेगा ना मैं करूँगा। और गदर 2 की विशेषता यही है, गदर 2 ना किसी नेशन के खिलाफ है, ना गदर 2 किसी धर्म के खिलाफ है। गदर 2 तो बल्कि जोड़ने की बात करती है। हमारा एंड का सीन इतना अच्छा है कि तुम दोनों को गले नहीं लगा सकते थे, अगर तुमने अपने रसूल की बात मानी होती तो गजबा हिंद नहीं जज्बा हिंद की बात करते। तो ये जो कथा गजबा हिंद से जो निकली, उस थॉट से, उस विलेन का थॉट था गजबा हिंद, जो कि बहुत सारे उलेमा बोलते रहते हैं, जो समझते नहीं है, जो अपने रसूल को समझता ही नहीं है वो बोलते रहते हैं। तो हमने एक शब्द ईजाद किया, शब्द हम लेके आए, थॉट लेके आए जज्बा हिंद, कि तुम जज्बा हिंद रखो, भारत के साथ जज्बा रखो, फिर देखो दुनिया ही जन्नत हो जाएगी। इतना सुंदर मैसेज दिया, वो लोगों को इतना पसंद आ रहा है। मेरे को कितने मुस्लिम लोगों ने और कितने मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी मेरे को बोला कि शर्मा जी आपने ये बहुत बढ़िया बात कही है,
और ये बात, और गदर से ये बात पूरे पूरे दुनिया में फैल रही है, एंड विच इज़ वेरी गुड। और इस बात से थोड़े से भी लोग भी बदले, थोड़े से लोगों में भी मन में कुछ अलग विचार आया और पॉजिटिव भावना आई, तो मेरा फिल्म बनाना सफल होता है। सर, मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ी बात है। सॉरी प्रदीप जी, सॉरी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट मीटिंग अनिल आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। ना प्रदीप जी, अनिल शर्मा जी, मेरे लिए एक बड़ी पर्सनल बात है। पर्सनल बात क्या है, यू आर द फर्स्ट डायरेक्टर, पहले डायरेक्टर हैं आप जिसने एक्चुअली जनरल रानी के किरदार को बड़े पर्दे पर दिखाया है। अखलीक अख्तर, उसके बारे में मतलब एक जमाना था, वो ये कहा जाता था शी यूज्ड टू कंट्रोल द एंटायर हाउसहोल्ड ऑफ जनरल जाहिया खान। यू वर द फर्स्ट, हाउ डिड दैट कम अबाउट? वो आप मतलब कहां से आया, वो जरा बताएं मुझे प्लीज। वो हमने जब 1990 जब रिसर्च की, तो रिसर्च में वो करेक्टर दिखा जनरल रानी का। हमने रिसर्च में दिखा क्रश इंडिया मूवमेंट, क्योंकि गदर कोई गदर फिल्म, पिछली फिल्म 47 में थी, तो गदर के लिए देश काल होना बहुत जरूरी है, कोई पीरियड होना बहुत जरूरी है, किसी एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी है। गदर की ये एक डिमांड भी है और एक्सपेक्टेशन भी है। तो उस हिसाब से जब हम वो देश काल में गए 1970s में, जब हम घुसे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखी, और जो बहुत सारी चीज़ें दिखी उसमें हमें जनरल रानी भी दिखी, उसमें हमें क्रश इंडिया मूवमेंट भी दिखा, वहाँ का पूरा माहौल दिखा, याहिया खान भी दिखे और सारी चीज़ें दिखी। और याहिया खान ने कहा था, जब उनसे पूछा गया, प्रेस ने पूछा कि भाई ये बताइए कि 1 करोड़ से ज़्यादा शरणार्थी वहाँ हैं, तो उन्होंने कहा था ये सब झूठ है, कोई शरणार्थी वहाँ नहीं है, हिंदुस्तान ने स्टेज किया है दुनिया को दिखाने के लिए, ये उन्होंने कहा था। तो वो डायलॉग भी मैंने इसमें डाला। तो वो देश काल की चीज़ें हमने निकाली और निकाल के अपनी स्क्रिप्ट में समोई हमने। Nationalism is the need of the hour. Aaj pure desh mein, you know, when you look at every person, the citizen of the country looks at Narendra Modi, Prime Minister of this country, he espouses nationalism. Uske rag rag mein nationalism hai. And nationalism is the way of life as on today, because the whole country stands by that. So, did you capitalize on this? Because all your pictures mostly us nationalistic feeling ko ekdam inspire karta hai. Capitalize word hai na, is word. देखिए, मैं कोई व्यापार नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई धंधा नहीं कर रहा हूँ पब्लिक के साथ, जो कैपिटलाइज कर रहा हूँ। मेरे जो क्या लिखेगा आदमी, क्या दम है उसकी स्याही में, हालात ने जो चोटें दी शब्दों में उभर आई हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अपने एक नेशनलिज्म है। मैं कहीं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बातें करता हूँ और भारत मेरे अंदर है। कहीं बचपन से मेरे माता पिता, मेरे ग्रैंड फादर ने भारत मेरे अंदर सीट करके रखा हुआ है, मेरे परिवार ने, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब भारत के हैं और भारत उनके हृदय में है, भारत उनकी रग रग में है। तो जब जो आपकी रग रग में होता है ऑटोमेटिक आता है। मैं जब भी कोई फिल्म बनाता हूँ उसमें मुझे जब भारत नहीं दिखता है तो मुझे दिखता नहीं मैंने कोई फिल्म बनाई है। तो यही इतनी सी बात है। तो इसीलिए मैंने कोई कैपिटलाइज करने की कोशिश नहीं की, जो कुछ मेरे अंदर था वो मैंने कहा है, और वो कहा है वो इमोशन लोगों को कनेक्ट हो गया। जब कुछ चीज़ कनेक्ट हो जाती है तो आप हमेशा वो चीज़ लोगों को पसंद आ जाती है और लोग काफ़ी हद तक सिनेमाघरों में आ जाते हैं जो आए हैं। शर्मा जी, यू नो यू मस्ट बी इंस्पायर्ड, बिकॉज आप देखो, वन थिंग इज नेशनलिज्म, सेकंड थिंग इज इंस्पिरेशन, द वे ऑफ लाइफ, कोई चीज़, कोई लोग इंस्पायर हो जाते हैं। इट कुड बी समबडी फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, इट कुड बी सम पॉलिटिकल लीडरशिप, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ लीडरशिप, समथिंग दैट यू हैव इंस्पायर्ड, बिकॉज आपके हर चीज में वो यू नो नेशनलिज्म, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इस चीज का झलक यू नो उभर कर बाहर आता है। एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ लीडरशिप दैट यू वुड लाइक टू फॉलो एंड विच इंस्पायर्स यू इन वे ऑफ लाइफ? देखिए, मैं तो कलाकार हूँ, मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हूँ, मैं सब का हूँ और सब मेरे हैं, हर भारतवासी मेरा है और मैं हर भारत का हूँ। तो मैं इस तरह से सोचते ही नहीं, मुझे अगर पॉलिटिक्स में जाना होगा तो मैं सोचूंगा ये मेरा वो मेरा, अभी तक मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि कहीं शायद मेरे अंदर उतनी बड़ी अकल नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में जा सकूँ, उतना बड़ा मुझ में नहीं है। और मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ और दिल से सोचता हूँ और दिल से ही चलता हूँ, और दिमाग कमबख्त पता नहीं किधर चला जाता है, समझ नहीं आता, दिमाग से ना सोच पाता हूँ ना चल पाता हूँ, तो हृदय कहता है वही करता हूँ। 22 साल लग गए मुझे गदर 2 बनाने में, दिमाग से चलता तो गदर 2 10 साल पहले 15 साल पहले बना लेता, क्योंकि लेकिन कहानी नहीं आई, कहानी जब तक दिल ने एक्सेप्ट नहीं की नहीं आई। कहानियाँ तो बहुत आती नहीं, किसी भी कहानी को मैं यूज़ करता और गदर के नाम को यूज़ करके कभी भी मैं सक्सेस होने की कोशिश करता, लेकिन वो नहीं। जिस दिन दिल ने कहा कहानी आ गई
और दिल ने महसूस कर ली कहानी, उस दिन फिल्म बना दी, अब समय कितना भी लग गया हो, सब्र कितना भी रहा हो, तो दिल से मैं सोचता हूँ, दिमाग से सोचता ही नहीं। लेकिन आप अनिल शर्मा जी, आप लोगों को रुला देते हैं साहब अपनी पिक्चर में, क्योंकि दिल से दिल स्क्रिप्ट का ब्रिज बनाना में भी, स्क्रिप्ट में भी रुला देते हैं। इनफैक्ट आपने मुझे ये भी बताया, अपने का जब मैंने इंटरव्यू किया था आपका, अपने के टाइम पे आपने कहा मैं इधर से हम कहानी सुना रहे हैं, इधर से धर्म जी बैठ करके दोनों आंखों से उनके आंसू निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है कि आप दिल से दिल तक का ब्रिज बनाना ही डायरेक्टर का काम। डायरेक्टर का काम क्या है? डायरेक्टर का काम है कि सेलुलाइट पे कुछ चल रहा है और वहां से एक ब्रिज खींचे, ऑडियंस के दिल तक उतर जाए वो, और इमोशन फ्लो करके वहां तक पहुंच जाए। वही मेरा कार्य है, वो मुझसे ईश्वर ने मुझसे सही ढंग से करवा दिया, मैंने कर दिया। अच्छा, आपके दादाजी ज्योतिषी थे जी, उन्होंने आपकी ये भविष्यवाणी करी थी क्या कि आप इतने बड़े डायरेक्टर बनेंगे, इतना नाम होगा? देखिए, मैं जब बहुत छोटा था, जब दादाजी चले गए थे, मैं तो तब 10-11 साल, 10वीं में ही पढ़ता था, तो दादाजी मुझे ये जरूर बोलते थे घर में सबको कि ये लड़का हमारा बहुत नाम करेगा। और दादाजी ने एक चीज जो हर पिता अपने पुत्र को बोलता है, और दादाजी के समय एक चीज हुई, वहां से कहीं मेरे अंदर जो डायरेक्टर का सीड आया कि शायद उन्होंने ये जानबूझ के किया। मैं जब छोटा था तो कल्याण बहुत पढ़ता था, महाभारत रामायण की कथाएं बहुत पढ़ता था, तो बाबा मेरे मुझे पूरी प्रैक्टिकली मुझे पूरी भागवत याद हो गई थी कथाओं कहानियों के रूप में। तो बाबा 10-10, 12-12 बड़े बड़े ज्ञानियों के बीच में बाबा मुझे बोलते थे कथा सुना, कहानी सुना, और मैं कथा और कहानी सुनाता था भागवत की अपने हिसाब से, और उसमें कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ साइंस की चीज़ मिला देता था, और जब मैं वो सुनाता था तो लोगों की आंखें भर आती थी। तो वहाँ कहीं से मुझे कथा कहने का तरीका आया। तो ये जो मेरी अपब्रिंगिंग थी, ये जो मेरे अंदर सीड इन आया डायरेक्टर बनने का या राइटर बनने का, वो मेरे ग्रैंडफादर का ही आशीर्वाद है। जबरदस्त सर, फैंटास्टिक। कल्याण यानी जो गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण जो आया करता था, वो बिल्कुल बिल्कुल याद है मुझको, हर एक के घर में आया करता था जी, हर आता, और मैं चाट जाता था कल्याण को, एक एक लफ्ज पढ़ जाता था कल्याण का, वेट करता रहता था, और मुझे कथाएं बहुत अच्छी लगती थी। कहने का मतलब ये हुआ, बाकी बच्चे चंदा मामा की वेट करते थे या जो अंग्रेजी टाइप के बच्चे थे वो जेएस की वेट करते थे, आप कल्याण की वेट करते थे? नहीं, मैं उनकी भी वेट करता था, लेकिन कल्याण मेरा उसमें सबसे प्रिय था जी। जबरदस्त, फैंटास्टिक। लेकिन अनिल शर्मा जी, ये बताएं कि ऑल योर मेजर हिट्स, बड़ी बड़ी जो जबरदस्त आपकी मॉन्स्टर हिट्स जो है, वो सनी साहब के साथ हुई, इसके पीछे क्या रहा? नहीं, धर्म जी के साथ भी है, हुकूमत मेरी बहुत बड़ी हिट थी, मेरी पहली फिल्म श्रद्धांजलि बहुत बड़ी हिट थी, ऐसा नहीं है, काफी लोगों के साथ रहा है, लेकिन हाँ सनी के संग जरा द हीरो अपने, सर जैसे मार्टिन स्कोसेजी एंड रॉबर्ट डेनिरो, वैसे अनिल शर्मा एंड सनी देओल, मतलब दिस इज अमेजिंग रियली। इसके बारे में जरा आपकी केमिस्ट्री के बारे में बताया ना सर, सनी साहब। क्या हुआ है कि भाई धर्म जी मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे जी, और बहुत जब मैं मथुरा में पढ़ता था वहां से ही मुझे पसंद थे। इत्तेफाक की बात है, 7-8 साल का रहा होऊंगा, मैंने कभी सिनेमा हॉल नहीं देखा था, तो मेरठ में एक शादी में हम लोग गए थे, तो शादी में जन्माष्टमी में हम थे, जन्माष्टमी के बगल में एक सिनेमा हॉल था और पीली सी उसकी बिल्डिंग थी, मुझे अच्छी तरह याद है, और मैं मचल गया अपने ग्रैंडफादर से कि मुझे इस सिनेमा में जाना है, कि शादी में टाइम था, तो बाबा मुझे थिएटर में ले गए, थिएटर में ले गए, और मैं पहली बार एक अंधेरे से मैं चला गया और मैंने चलती हुआ चित्र देखा, और एक लड़की भागती हुई जा रही है और एक लड़का उसे बचा रहा है, और पीछे पीछे गाना चल रहा है गंगा की लहरें। मैं नहीं जानता था वो कौन लड़की थी, वो कौन बंदा था, कौन क्या था, मुझे बहुत घबराहट सी भी हुई कि कोई डूबने जा रहा है, और पर मुझे अच्छा भी बहुत लगा। और बाद में जब पता लगा कि मेरी ज़िंदगी में जो मैंने पहला चेहरा देखा था थिएटर में पर्दे पर, वो धर्मेंद्र का चेहरा, गंगा की लहरें धर्म जी की पिक्चर थी, और मैं हैरान और शॉक्ड हो गया। धर्म जी से मेरी मुलाकात हुई थी द बर्निंग ट्रेन में जब मैं असिस्टेंट था, वहाँ से एक रिश्ता बना, तो वो रिश्ता तो कुछ दैविक रिश्ता था, तभी तो शायद मैंने उनको पहली बार देखा, मैंने पहला हीरो देखा वो धर्मेंद्र देखा, और इस परिवार से मेरा रिश्ता बनता चला गया। हुकूमत, ऐलान जंग, तहलका, फरिश्ते, कई हिट फिल्में धर्म जी के साथ हुई, उसके बाद सनी के संग जो गदर से सफ़र शुरू हुआ और दूसरी गदर तक आ गया, इसमें कई बहुत अच्छी फिल्में आ गई। तो अच्छा है, मैं रिश्तों में बिलीव करता हूँ, और एक बार रिश्ते बन जाते हैं तो व्यक्ति उन्हीं रिश्तों के साथ चलता है, अच्छी बात है। यू नो, आई पर्सनली फील एज इफ
दिस इज आई यू नो आई फील आई गेट अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ सीइंग यू एंड सनी देओल सक्सीड सो मच. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मतलब एक व्यक्तिगत तौर पे मुझे बड़ी खुशी हो रही है. मैं उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूं, वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज जिस तरीके से कुछ लोग इंडस्ट्री में गदर 2 का पहले मजाक उड़ा रहे थे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब आई फेल्ट पर्सनली इंसल्टेड के हाउ कैन यू से लाइक दिस, ये इस तरीके से आप लोग बात कैसे कर सकते हैं. क्या मजाक उड़ा रहे थे वो तो बताइए. मतलब सर वो छोड़िए, अब जाने दो उनको. अब क्या है, अब सड़ सड़ के मर जाए ज्यादा अच्छा है. मैं बड़ा टेल यू समथिंग, निंदक नेरे राखी आगन कुटी छिपाए जी. शर्मा जी द कंपैरिजन, वन सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड. इन 1980 यू वर द यंगेस्ट डायरेक्टर, यू वर द डायरेक्टर एट 21, 21 साल के थे, आपने पिक्चर डायरेक्ट करी श्रद्धांजलि राखी के साथ जी, और वो भी हिट हो गए जी, हिट हो गए पिक्चर. मतलब ये क्या है, अनिल शर्मा जहां भी जाता है वो हिट, मतलब हिट हो जाती है पिक्चर. सर अभी ये तो ईश्वर की कृपा है. अभी तो आजकल लोग क्या क्या बातें बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि आपने सिनेमा बचा लिया, आपने सिंगल स्क्रीन बचा ली, आप सनी को वापस ले आए जैसे धर्म जी को लाए थे, ये सब लोग बोलते रहते हैं. लेकिन मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूँ. मैं तो यकीन रखता हूँ कि काम करते जाओ, आपको अपने रास्ते बनते चले जाएंगे. पानी है, पानी बहता जाएगा, उसको रास्ते मिलते चले जाएंगे. पानी The comparison to Mughalism, why was the comparison you know somewhere? And फिर आपका confidence that this is India's Titanic, you know what came about? ये कैसे हो गया? Mughalism, Titanic, your inspiration, आप you know confidence, super confidence जो कहते हैं. समझ लीजिए, ऐसा होता है, ऐसा होता है, आदमी की फितरत होती है. मेरी श्रद्धांजलि 30-35 जगह सिल्वर जुबली हुई. मुझसे सबने कहा कि इसकी पार्टी करो. मैंने कहा नहीं यार, जब पिक्चर 50 वीक 75 वीक चलेगी तो पार्टी करूंगा. हुकूमत जब 75 वीक चली तो मैंने पार्टी की. तो वो मेरी प्यास अगर 35 वीक में 25 वीक में मैं बुझा देता तो 75 वीक आती नहीं. तो मैंने हमेशा, पता नहीं क्यों, मेरा एक वो रहा है कि मुझे हमेशा मुगले आजम, मदर विंडी, गॉन विद द विंड, टाइटेनिक, गन्स ऑफ नेवरॉन, ये बड़ी बड़ी बैन हर, ये बड़ी बड़ी पिक्चरें हमेशा मुझे पसंद आती रही, समझे ना. और मेरे हमेशा हसरत रही ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाऊं. और ईश्वर ने मेरा साथ दे दिया, क्योंकि आप AMI करोगे तो कभी कभी ईश्वर रास्ते बना देता है, और सफल भी होता रहा. और सफलता का सारा श्रेय ईश्वर को, मैं खुद को तो देता ही नहीं. एंड व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ योर सन, उत्कर्ष की परफॉर्मेंस का आपका खुद का असेसमेंट क्या है? एज ए फादर हर एक को अपना बेटा बहुत पसंद आता है, हर एक को अपना बेटा अच्छा लगता है. संसार का कोई पिता हो उसके लिए उसके बेटे से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है. मगर मैं यहाँ एज ए डायरेक्टर बोल रहा हूँ कि एज ए डायरेक्टर उत्कर्ष इज अ ब्रिलियंट एक्टर. और गदर 1 में ही उसकी एक्टिंग दिख गई थी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी. जीनियस में भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की. थिएटर में पिक्चर नहीं चली इतनी, सैटेलाइट पे पिक्चर बहुत ज्यादा अच्छी चली जी. लेकिन वहां भी लोगों को दिख गई उसके दो दो गाने, थाउजेंड मिलियन हो गए और वो बहुत ही अच्छा रहा. और ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. और जहाँ तक मैं सोचता हूँ, एज ए पिता मेरी एक ही ख्वाहिश है जो हर पिता की होती होगी, आपकी भी होगी, सबकी होती है, कि मैं ये चाहता हूँ कि कल मेरे नाम की वजह से मेरे बेटे को ना जाना जाए, उसकी वजह से मुझे जाना जाए. और उसमें ये पोटेंशियलिटी है, उत्कर्ष एक दिन ये काम करेगा, इतना मुझे भरोसा. Brilliant, absolutely brilliant. And the movie being screened, fantastic. The new Parliament building, एक prestige वाली बात है. New Parliament building, new Parliament building में आपका Gadar 2 screening, you know the whole. हाँ जी, आज screening हुई इसकी सुबह, कल भी और परसों भी है. और हमारे पास mail आया अचानक कि भाई हमें KDM चाहिए. हम बहुत खुश हुए और हमने वहाँ KDM भेज दिया 3 दिन के लिए. Fantastic, absolutely fantastic. तो सर अब तो ये भी बात चल रही है. उससे पहले President House के लिए भी प्रेसिडेंट हाउस से भी आया था, वहां भी हमने KDM भेजा. सर तो अनिल शर्मा जी, अब तो ये बात हो रही है कि गदर 3 भी आने वाली है, उसकी भी प्लानिंग चल रही है. हाँ, कोशिश तो जारी है. अभी देखिए, वो तो लिख दिया हमने, एंड में टू बी कंटिन्यूड. अब ये बताइए, आपने फिल्म देखी या नहीं देखी? सर देख ली फिल्म, तभी तो बात कर रहे हैं. फिल्म देख के आया हूं, उसके बाद ही बात कर रहा हूं. सर फिल्म देखने के बाद बात कर रहा हूं. क्या रहे मन में, पार्ट 3 करने का बताएंगे जल्दी सर. लेकिन जहां तक के आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, वी एक्सपेक्टेड कि पता नहीं भाई, मैं आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं बहुत फ्रैंकली, आपको शायद बुरा लगे मुझे मालूम नहीं है,
मैंने कहा पता नहीं है अमीषा पटेल सनी देओल वैसे परफॉर्मेंस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, बट सनीज परफॉर्मेंस इज इवन बेटर देन गदर एंड अमीषा पटेल नॉट विदस्टैंडिंग द फैक्ट दैट शी हैज मच स्क्रीन टाइम जितना उनको गदर में था, बट हर परफॉर्मेंस इज ऑल्सो ब्रिलियंट. क्या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी उनके साथ या क्या करना पड़ा? अमीषा ने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, उसके जीवन ने बहुत कुछ उसको सिखाया है, समझाया है. ऐसे ऐसे जीवन में उसके जीवन में मूमेंट आए जहां उसकी और उसके पिता माता के साथ भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हुआ. और तो डेफिनेटली जीवन ने उसको इमोशनली बहुत कुछ दिया होगा, समझाया होगा. और तो उस वजह से उसके उसके इमोशंस थोड़े से और गहरे हो गए, एक्सप्रेशंस और थोड़े से गहरे हो गए, और उसने मेहनत भी की है. तो इसीलिए अमीषा पटेल अच्छी लग रही. रही स्क्रीन टाइम की बात, तो देखिए पहली कहानी जो थी वो गदर थी, तारा और सकीना की प्रेम कहानी. वो हम उसको कह सकते हैं कि राम लंका को सीता से लेके आए. दूसरी कहानी है पिता और पुत्र की प्रेम कथा. हम कह सकते हैं कि ये कहानी ऐसी है कि अर्जुन अभिमन्यु अगर चक्रव्यूह में फंस जाए तो उस क्षण में अगर अर्जुन आ जाता तो क्या होता. बस यही इस कहानी का इमोशन था. और तो उसी दिन महाभारत समाप्त हो जाता जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, तो सातों महारथी वहीं सब समाप्त हो जाते. तो ये कहानी है पिता और पुत्र की, इस इमोशन की ये कहानी है. तो डेफिनेटली इसमें पिता और पुत्र ही होंगे. और ऐसा नहीं कि लेकिन माँ भी हर पल हर क्षण है, चाहे वो तारा की यादों में हो, चाहे वो बेटे की यादों में हो, चाहे वो स्क्रीन पर खुद हो, लेकिन माँ भी पिक्चर से कहीं मिस नहीं हुई है. जी दुरुस्त बात है. और एंड दिस फॉर आवर व्यूअर्स, गदर 2 बाय द वे हैज ब्रोकन ऑल रिकॉर्ड्स एट द मोमेंट, इट इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग. एंड एज अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी सेड, गदर 2 हैज एक्चुअली सेव्ड ऑल सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, व्हिच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. चलते चलते सर, अनिल शर्मा साहब, आपसे दिल तो कर रहा है बहुत ज्यादा बात करने का. जी जी सर, जी. जो आपकी रिलीजियस नॉलेज है, श्रीमद् भागवतम तो आपको मुझे लग रहा है कंठस्थ ही होगा बिल्कुल. आपने कभी सोचा नहीं है कि कुछ उस तरफ बनाया जाए? मेरा बहुत मन है श्रीमद् भागवत बनाने का. देखिए मौका लगेगा, भगवान ने समय दिया है तो शायद मैं बनाऊं, लेकिन मन बहुत है मेरा. लेकिन सर वो तो पूरा लाइफ टाइम का काम होगा. सब फोन बनी है, वो लेवल पे बनाना चाहता हूं. जी जबरदस्त. ए सर, योर फेवरेट फिल्म्स अपार्ट फ्रॉम गदर 2, आपकी खुद की फेवरेट फिल्म्स कौन सी हैं? अभी तो आपने नाम दे दिए, आपने गॉन विद द विंड का नाम लिया, गन्स ऑफ नेवरोन, बेनहर, एंड बाय द वे वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड बेनहर ऑफ 1959 स्टारिंग चार्ल्टन हेस्टन. चार्ल्टन हेस्टन, नॉट द न्यू वन. नोबडी वांट्स टू वॉच द न्यू वन. पुरानी बात कर रहा हूं. या वो विलियम वॉलेस साहब डायरेक्टर थे जिसके, वो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वो जो चैरियट रेस वाली जो है आधे घंटे वाली. जी तो और कोई पिक्चर सर, कोई ये तो पुरानी हो गई, क्लासिक्स हो गई, अभी जो कोई पिक्चर आई हो जो आपको बड़ी पसंद हो? अभी मुझे अवतार बहुत अच्छी लगी थी. अभी भी बहुत सारी पिक्चर, बहुत अंग्रेजी में तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें आती है, बहुत कुछ अच्छा. बहुत मुझे वेब शो बहुत पसंद है, दिस ब्रेकिंग बैड एंड गेम्स ऑफ थ्रोन. अच्छा, गेम ऑफ थ्रोन्स एंड ब्रेकिंग बैड, वाओ लवली, बहुत फैंटास्टिक. वो गेम ऑफ थ्रोन्स तो ऐसे लगता है कि एक एपिसोड पूरी पिक्चर है यार, वो तो मतलब कमाल है, वो कमाल है. वो तो ऐसे लगता है दैट अमाउंट दैट गोज इनटू अ फीचर फिल्म हैज बीन पुट इनटू ईच एपिसोड, व्हिच इज वाओ, व्हिच इज एब्सोल्युटली फैबुलस. अनिल शर्मा जी, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू यू, रियली एंड ट्रूली अ वंडरफुल जॉब. चलते चलते, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन योर फेवरेट एक्टर्स इन बॉलीवुड राइट नाउ? अभी तो फेवरेट एक्टर मेरा सनी देओल ही. वो पहले भी था सर, अभी कौन सी बड़ी बात हो गई. उसके अलावा तो सभी फेवरेट देओल फैमिली के अलावा, बॉबी, धर्मेंद्र और सनी के अलावा. आज के जमाने, आज के दौर में मुझे शाहरुख बहुत पसंद है, रणवीर कपूर बहुत पसंद है, सलमान भाई, बहुत सारे, आमिर खान जी, सारे ही पसंद है. ऐसा नहीं है, अब फिर बोल नाम सबके लेना लगूंगा तो आप बोलेंगे पॉलिटिकल बात कर रहे हो, पर जेन्युइनली मुझे पसंद है ये सब. और आप बड़े जेन्युइन आदमी हैं ये मैं मालूम है, जब कॉमेडी आप दिल से बोलते हैं तो बहुत पसंद है सर. अच्छा हाँ, एक चीज थी, पता नहीं, आई डोंट नो व्हेदर यू वुड लाइक टू रिप्लाई टू दिस. गदर 2 का कंपैरिजन पठान के साथ हो रहा है कि which is better, which has a greater impact. ये सब मीडिया, ये सब लोग यूट्यूबर्स या मीडिया करता है, दो एकदम तरह की फिक्र, एक नॉर्थ है एक साउथ है. पठान में भी मुझे लगा था जिस दिन मैंने ट्रेलर देखा था कि मैं वो हिट है, क्योंकि मैं शाहरुख खान की वापसी चाहता था एज ए फैन. वो देखो हिट हो गई,
और यहाँ भी लोग सनी देओल की वापसी चाहते थे कि सनी देओल जैसा सुपरस्टार पब्लिक चाहती थी वो अपने जगह वापस आए। देखो हिट हो गई, एक हीरो 55 साल 58 साल की उम्र में हिट होता है, एक हीरो 67 साल की उम्र में हिट होता है, क्योंकि इनमें दावत, इनमें ताकत है, इनमें पोटेंशियल है। फैंटास्टिक, बट सनी इज बैक, आई टेल यू व्हाट, सनी इज बैक। और चलते चलते सर, आई विल रिमाइंड यू ऑफ योर प्रॉमिस, यू हैव प्रॉमिस्ड मी अ रोल इन योर नेक्स्ट फिल्म, ठीक है सर? जी ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार सर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू, राइट।